दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता है, इसी तरह से मिलते रहे। तो आपको बता दें कि मैं आपका भाई, आपका बेटा नरेश राजा मिर्जापुरी, और आप ये वीडियो हमारे ब्लॉग चैनल पे शायद देख रहे होंगे। नरेश राजा ब्लॉग पे चैनल मेरा नया है, तो आप लोग बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट, बहुत स्नेह मिल रहा है आप सबका। बस इसी तरह से आप सबका स्नेह प्यार मिलना चाहिए। आप सबको बता दें कि आज हम आए हैं, देखिए आपको बताते हैं कि ये देखिए इधर मड़ई बना हुआ है ना, अपने खेत पे आए हैं। मड़ई को उठाकर उधर वो जो नींब दिख रहा है ना, वो उधर उस पर रखा जाएगा। और आपको बताते हैं कि देखिए मड़ई उठाने वाले जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखिए ये बंदे हैं। मैं इनसे पूछना पाऊंगा, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गजगजवा महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो आशीष कैसे महसूस कर रहा था? ये देखिए हमारे आशीष जी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और उसे तो लगी हैं लड़का हमार, लेकिन मित्रता बहुत बढ़िया बा। कुछ बोलबा? आए क्या बोल रहे थे? बोला मर्दे ना बोलिए। अरे देखिए ये मेरा छोटका कलुआ है, मैं बड़का कलुआ हूँ, ये मेरा छोटका कलुआ है। ये अभी एक वीडियो मैं शूट किया हूँ जो कि आप लोग देख पाएंगे, कलुआ समोसा वाला। नरेश राजा मिर्जापुरी चैनल पे आपको आज मिल जाएगा, जब भी मिलेगा आप देख लीजिएगा हमारे चैनल नरेश राजा मिर्जापुरी पे जाके, उस पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है। और नरेश राजा ऑफिशियल पे भी मेरा बहुत सारा वीडियो पड़ा है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। और ये देखिए मड़ई है, छप्पर है, ये कास का बनाया जाता है और यहाँ पे इसमें जो बांस फूस होता है काट के डाला गया है, सब बनाया गया है, फिट है। आपको बताता हूँ इसको रखा कहाँ जाएगा, बने रहिए वीडियो में। ये मेरा सब खेत है जो दिख रहा है, अभी बोया हुआ नहीं है, गेहूँ से का खेती था सब कट गया है, अभी धान का खेती जो आएगा, बारिश अभी नहीं हुआ है। सब जगह तो बारिश हो रहा है लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों बारिश वरिश अभी नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में भाई कहीं तूफान चल रहा है तो कहीं बारिश से लोग परेशान है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है साला, यहाँ पे बारिश ही नहीं, पानी पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। बहुत दूर दूर से पीने के लिए पानी लाया जाता है। तो आपको दिखाता हूँ देखिए किस तरीके से रखा जाएगा इस मड़ई को। देखिए वो पीछे जो दिख रहा है ना बांस, बांस आपको दिख रहा होगा, और बांस के एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ पर एक बांस रखा गया और एक उधर थूनी लकड़ी गाड़ के उस पर रखा गया। इसी पे वो छप्पर मैं आपको दिखाया, इसी पे रखा जाएगा। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद जैसे स्नेह दे रहे हैं हमको देते रहिए, और हमारे ब्लॉग चैनल को आप लोग बहुत प्यार दिए हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू, दिल से लव यू। कल मैं एक वीडियो शूट किया था, वो मेरा वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, नरेश राजा मिर्जापुरी कलुआ का मूली वाला, कलुआ का खेत में था मैं, वो ब्लॉग भी डाला था मैं आपको, ब्लॉग कलुआ के स्टाइल में ही डाला था। तो आप लोग का प्यार बहुत अच्छा मिला, बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, दिल से लव यू, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड।